हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिंगिंग लाइफ। आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ हमारे राजस्थान की फेमस सांगरी और प्याज की सब्जी। अभी मार्केट में इस तरह से गीली सांगरी मिल रही है, तो आज मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ इसी गीली सांगरी और प्याज की सब्जी। तो सांगरी प्याज की सब्जी बनाने के लिए सबसे पहले मैंने ली है सांगरी। तो इस सांगरी को इस तरह से हम पहले साफ़ कर लेंगे, इनके कॉर्नर्स जो हैं वो काट लेंगे और फिर इसको हम छोटे टुकड़ों में कट कर लेंगे। आपको जो साइज़ पसंद हो आप उस साइज़ में इसको कट कर सकते हैं। मैंने इस तरह से थोड़े बड़े टुकड़े ही रखे हैं। ये पूरी सांगरी को मैंने टुकड़ों में काट लिया है और अब मैंने लिए हैं दो प्याज। इनको मैं लंबा लंबा जो है कट कर लूँगी। आप चाहें उस साइज़ में इनको कट कर सकते हैं। अब मैंने लिया है एक प्रेशर कुकर, इसमें मैं डालूँगी ये सांगरी और इसको मैं स्टीम आने तक कुक करूँगी। ध्यान रखना है हमें इसको ज़्यादा कुक नहीं करना, यानी सीटियाँ नहीं लगानी है, क्योंकि सांगरी ये बहुत जल्दी जो है कुक हो जाती है। तो बस इसको पानी में डाल देंगे और प्रेशर कुकर का ढक्कन जो है वो बंद कर देंगे। ये स्टीम बन चुकी है, तो सिर्फ 5 ही मिनट में मैं सारी स्टीम को निकाल दूंगी और सांगरी को चेक कर लेते हैं। और ये देखिए, ये सांगरी हमारी उबल करके तैयार है। तो जब तक सांगरी उबली थी मैंने प्याज को भी इस तरह से लंबे टुकड़ों में कट कर लिया था। अब मैंने लिए कढ़ाई, इसमें मैं डालूंगी तेल। तेल जब गर्म हो जाएगा तो इसमें डालेंगे आधा चम्मच जीरा। अब इसमें डाल दूंगी ये प्याज। प्याज को हल्के से सौते कर लेंगे इसमें और फिर आती है मसालों की बारी। तो 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, करीब 1.5 चम्मच मैं इसमें डालूंगी धनिया पाउडर, नमक स्वाद अनुसार। मसालों को अच्छे से इसमें मिक्स करेंगे और 2 मिनट के लिए इन प्याज और मसालों को इसमें पका लेंगे। 2 मिनट बाद मैं इसमें डालूंगी 1 बड़ा चम्मच दही। दही को भी इसमें अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फिर इसमें डाल दूंगी ये उबली हुई सांगरी। सांगरी को इसमें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा इसमें पानी मुझे कम लग रहा है, तो मैं थोड़ा सा इसमें डाल दूंगी पानी। बस अब हम इसको ढक्कन लगाकर 5 मिनट तक पका लेंगे। पाँच मिनट हो चुके हैं, तो सब्जी को चेक कर लेते हैं। और ये देखिए, ऑयल सेपरेट हो चुका है, सांगरी भी पक चुकी है, हमारी जो सब्जी है वो बन करके रेडी है। ये सांगरी की सब्जी खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होती है गाइज, और बहुत ही बनाने में आसान भी है। तो आप भी घर पर इस तरह से ये सब्जी बनाइएगा। और अगर आप सबको मेरा आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी आज की ये रेसिपी कैसी लगी। मैं मिलती हूँ आप सबसे मेरे नेक्स्ट वीडियो में ऐसी ही कुछ खास मेरी राजस्थान की रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।